शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे देवर बीजा, फीता काटकर महाविद्यालय का किया शुभारंभ। गौरतलब है कि बेमेतरा के देवर बीजा में नवीन शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया। शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे के साथ क्षेत्रीय विधायक आशीष छाबड़ा, कार्यकर्ता सहित हजारों की संख्या में यहां पर लोग शामिल रहे। राष्ट्रीय गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा को कटाक्ष करते हुए धान के बोनस और खरीदी में बताया कि FCI नान खरीदी करता है, जिसकी बखान केंद्र करते हैं। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्य की भूपेश सरकार की योजनाओं के बारे में बखान किया गया। साथ ही विधायक आशीष छाबड़ा ने देवर बीजा पंचायत के लिए मांगे गए 2 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। साथ ही कहा कि किसानों के लिए आने वाले समय में धान की खरीदी में एक बोरा भी नहीं लेना पड़ेगा, शासन पूरा देगा। बीजा में महाविद्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह आदरणीय आशीष छाबड़ा जी के नेतृत्व में हुआ। भव्य कार्यक्रम में पूरा अंचल के किसानों की उपस्थिति थी। मुझे बहुत खुशी है, बिरबीजा के विकास का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था यहाँ के स्कूल अस्पताल से लेकर के, और आज उस कार्यक्रम को माननीय आशीष छाबड़ा जी तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। जनता से भी हमने आह्वान किया, वो सरकार जो जनता के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में हमने आह्वान किया है। एक देश को धोखा देने वाली सरकार है, जनता को धोखा देने वाली सरकार है, और दूसरा हमारे गरीबों का काम करने वाली सरकार है। और इस बार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में किसानों का माहौल है, हम तो विधानसभा में भी बोले हैं, सार्वजनिक मंच से भी इस बात को कहते हैं, इस बार हम लोग 71 हैं, 71 इस बार, 71 अगली बार, 75 पार। छत्तीसगढ़ में किसानों का ये माहौल है। 20 क्विंटल धान खरीदी और लगातार धान की कीमतों में इजाफा, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और छत्तीसगढ़ के किसान कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। किसान का मतलब किसान के बेटे नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं। किसान का मतलब जब किसान के जेबों में हम पैसा डालते हैं तो व्यापारी भी हैं, उनकी भी मन में प्रसन्नता है। पूरा हिंदुस्तान में मंदी का दौर चला, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने किसानों के खाते में 1,75,000 करोड़ रुपया जो राशि अंतरण किया है, उसका लाभ बाजार को भी दिखता है। इसलिए लोगों की समझ है, आने वाले समय में आदरणीय भूपेश जी, भूपेश है तो भरोसा है जो नारा है, उसके नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। बेमेतरा विधानसभा में भी अपने साथी आशीष जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत मेहनत करके यहाँ के विकास के काम कर रहे हैं, और यहाँ की जनता का पूरा आशीर्वाद उनके साथ भी है। बस इतना कहना चाहता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।